हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द बायो प्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है द क्लोरोप्लास्ट। इसके पिछले टर्न पे हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, उसमें मैं आपको एक शॉर्ट में बस उसका ब्रीफ दूंगी ताकि आपको याद आ जाए। पिछला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको वो था द प्लास्टिड। फिर प्लास्टिड मैंने बताया था 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट था वो ग्रीन प्लास्टिड, उससे मुझे डिटेल में पढ़ाना था आपको, तो आज हम आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन प्लास्टिड, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, यानी ग्रीन प्लास्टिड है। ग्रीन पिगमेंट क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस का, यानी कि ये प्लास्टिड जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फूड को सिंथेसाइज करता है। जितने भी ऑल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो भी ग्रीन प्लांट्स है, यानी उसमें जो भी फोटोसिंथेसिस होती है, जो भी फूड प्रोड्यूस होता है, वो सब किसके द्वारा होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। तो ये क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। तो आपको क्लोरोप्लास्ट के लिए जब भी क्वेश्चन आए तो आप चलिए हमारा टॉपिक पढ़िए और प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ गाइस, मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे फिर से कहूँगी, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अदर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, या मैं जो भी ये पढ़ाती हूँ इसका अगर आपको पिक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। इसके साथ ही साथ हमें ईमेल पे भी ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है neelumishra999@gmail.com। तो चलिए टाइम को बचाते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन प्लास्टिड, यानी कि ये ग्रीन प्लास्टिड है, इसमें ग्रीन कलर पाया जाता है, क्लोरोफिल। दूसरा क्या है? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर अभी बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ भी, जब भी कोई सेल ऑर्गेनेल लिखने के लिए आता है तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना होता है, कि उसकी डिस्कवरी किसने करी, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसने डिस्कवर किया था। तो इसके डिस्कवर हैं ह्यूगो वॉन मोहल इन 1837, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को किसने डिस्कवर किया? ह्यूगो वॉन मोहल ने 1837 में डिस्कवर किया था। उसके बाद आपको लिखना होता है शेप, शेप कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट ओवल शेप भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप भी हो सकता है, डिस्क शेप भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, यानी ये कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ यूकेरियोट्स में। मैंने ये हर टॉपिक पे जब भी मैं कोई सेल ऑर्गेनेल पढ़ाती हूँ आपको ये बार बार बोलती हूँ, आप सोचते होंगे मैं बार बार रिपीट क्यों करती हूँ, सिर्फ इसलिए करती हूँ कि आपको ये चीज़ पूरी तरह से याद हो जाए, अलग से रटनी ना पड़े। यानी जो भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है वो सिर्फ यूकेरियोट्स में ही पाए जाते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है तो ये कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ यूकेरियोट्स में। थर्ड क्या है? इसका स्ट्रक्चर, जब भी स्ट्रक्चर की बात करती है तो हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले स्ट्रक्चर के लिए हम जाएंगे अपने डायग्राम पे, यानी हम सब कुछ डायग्राम से ही डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, अगर आपको स्ट्रक्चर लिखना है, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर है। इसकी आउटर जो लेयर है उसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इसके फ्लूइड को स्ट्रोमा बोलते हैं। और स्ट्रोमा के साथ फिर उसके बाद क्या होता है पूरे क्लोरोप्लास्ट में? क्या होता है? कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं कॉइन शेप्ड, जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉइन शेप जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम बोलते हैं थैलाकॉइड। ये आप देखेंगे लाइन से ऐसे ही अरेंज होते हैं, कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर, इनको हम थैलाकॉइड बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो सिंगल सिंगल कॉइन होता है तो सिंगल को हम बोलते हैं थैलाकॉइड, लेकिन जब ये कॉइन एक के ऊपर अरेंज होकर एक ढेरी बना लेते हैं, यानी एक स्टैक बना लेते हैं, उस पूरे स्टैक को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम। यानी ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस सिंगल होगा तो थैलाकॉइड बोलेंगे, कंबाइन होंगे बहुत सारे होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रैनम बोलेंगे। उसके साथ ही साथ जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या डीएनए पाया जाता है? डीएनए जो भी होता है वो कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए होगा, यानी कि जो भी ऑर्गेनेल होते हैं या जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो भी डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, यानी इसका डीएनए भी कैसा होगा? सर्कुलर होगा। इसके साथ ही साथ इसमें क्या पाया जाएगा? राइबोसोम पाया जाएगा, जो कि सारे सेल ऑर्गेनेल में पाए जाएंगे। तो एज यूजुअल आप जानते हैं कि जो भी प्रोकैरियोट्स या जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसमें जो भी हमारा राइबोसोम होगा वो कैसा होगा? 70S होगा, क्योंकि 80S यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, यानी राइबोसोम इसमें 70S टाइप का पाया जाएगा। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब आता है इसका फंक्शन, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्लोरोप्लास्ट क्योंकि ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट का एक ही फंक्शन है, फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना,
यानी क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड को प्रोड्यूस करता है। अब फोटोसिंथेसिस टू टाइप्स की होती है, अगर आपको पूरा याद नहीं है तो आप सिंपल एक फंक्शन लिख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है या फंक्शन करता है फोटोसिंथेसिस का। बट जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो टू स्टेप्स में कंप्लीट होती है, पहली है हमारी लाइट रिएक्शन एंड दूसरी है हमारी डार्क रिएक्शन। यानी फोटोसिंथेसिस टू पार्ट्स में कंप्लीट होती है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है इसमें दोनों रिएक्शन कंप्लीट होती है। जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होती है, थैलाकॉइड या ग्रेनम में होती है। दूसरी जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है। डियर स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन आता है कि इन विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन हैज अकर, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। लाइट रिएक्शन अगर थैलाकॉइड ऑप्शन आता है तो भी सही है, ग्रेनम आता तो भी सही, क्योंकि थैलाकॉइड और ग्रेनम एक ही चीज़ है। थैलाकॉइड सिंगल है और ग्रेनम क्या है, स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड है। तो जैसे आपको पता चल गया कि लाइट रिएक्शन जो है वो थैलाकॉइड में होती है, तो जैसे आपने यहाँ जहाँ भी थैलाकॉइड लिखा यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपल लाइट रिएक्शन, या आप लिख सकते हैं सेंटर ऑफ लाइट रिएक्शन। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसे पता होगा, स्टूडेंट्स को पता है कि थैलाकॉइड में ही लाइट रिएक्शन होती है, यानी कि उसको नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको वहीं से मार्क्स दे देगा। सिंपली अगर आप लिखते हैं कि ग्रेनम, तो जो भी सॉरी स्ट्रोमा लिखते हैं, तो स्ट्रोमा में आपको पता है कि डार्क रिएक्शन होती है, यानी जहाँ भी आपने स्ट्रोमा मेंशन किया यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डार्क रिएक्शन होती है। यानी आप स्ट्रोमा के सामने लिखेंगे डार्क रिएक्शन, थैलाकॉइड या ग्रेनम के सामने लिखेंगे लाइट रिएक्शन। तो इससे क्या हुआ, जो भी एग्जामिनर है जब भी आपका फिगर देखा वो समझ जाएगा कि आपने वही चीज़ नीचे लिखी, क्योंकि आपको डायग्राम में सब कुछ क्लियर है। तो इस तरह से हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। और जो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन है, मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ, लाइट रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट हो, डार्क रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके लिए लाइट की जरूरत ना हो। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस वो दिन में भी होती है रात में भी होती है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा टॉपिक, होप करती हूँ कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।